गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2, जिसका नाम रखा गया है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, मूवी के अंदर क्या हो सकता है, हमें एज अ विलन कौन देखने को मिल सकता है, कब ये मूवी आएगी और कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विद योर सचिन निगम और चलिए गाइस, वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। 2016 के बाद से हमें डॉक्टर स्ट्रेंज तो हर साल देखने को मिला। 2016 में हमें देखने को मिला डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी खुद की मूवी के अंदर। 2017 में हमें देखने को मिला डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर रैग्नारोक के अंदर। 2018 में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा इन्फिनिटी वॉर में और 2019 में हमने देखा अवेंजर एंड गेम के अंदर। लेकिन 2016 के बाद से अभी तक 3 साल गुजर चुके हैं और हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की सोलो मूवी नहीं देखी है। मल्टीवर्स का एग्जाम्पल देने से पहले अभी तक कोई भी मूवी ऐसी नहीं आई थी जिसने हमें एमसीयू के अंदर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हो। बट हमने देखा कि 2016 मूवी के अंदर हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी ने ही हमें मल्टीवर्स का जो एग्जांपल था वो दे दिया था और कहीं ना कहीं इस बात पे हिंट मिल ही गया था कि जो फ्यूचर सीक्वल होने वाले हैं या फिर एमसीयू का जो फ्यूचर होने वाला है वो कहीं ना कहीं मल्टीवर्स की तरफ इशारा करेगा। और 7 मई 2021 को रिलीज होने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज 2, जिसका नाम है इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हमें ये देखने को मिल सकता है कि मार्वल का मल्टीवर्स एक्चुअली में कैसा है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मल्टीवर्स की बात तो की गई थी, बट दैट वाज अ लाई, वो एक बिल्कुल झूठ था, सब झूठ था। लेकिन इस मूवी के अंदर ऐसा नहीं होने वाला है, हमें देखने को मिलेगा मार्वल का मल्टीवर्स और क्या क्या इसके अंदर दिखाया जा सकता है ये भी हमें मार्वल पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी के साथ दिखा सकता है। सो दैट इज गोइंग टू हैपन। मूवी की कास्ट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मूवी का जो मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं मिस्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच, वो तो वापस आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी कास्ट जो कि कन्फर्म हो गई है और मेरे ख्याल से हमें देखने को मिल सकती है मूवी में, जैसे कि बेनेडिक्ट वोंग जो कि प्ले करते हैं वोंग का रोल, ये भी हमें मूवी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो मॉडो का रोल प्ले करते हैं वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं मॉडो का जो रोल प्ले करते हैं एक्टर वो थर्ड पार्ट तक आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि थर्ड पार्ट के अंदर मॉडो और डॉक्टर स्ट्रेंज का शोडाउन होने वाला है, तो ये तो डेफिनेटली वापस आएगा ही थर्ड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में अभी उसका आना कंफर्म नहीं है, बट थर्ड पार्ट में वो जरूर आएगा। एक एडिशन जो कि इस मूवी के अंदर किया गया है वो किया गया है एलिजाबेथ ओल्सन एज स्कारलेट विच, एंड दैट इज अमेजिंग। बहुत समय से एमसीयू फैंस को ये चीज चाहिए थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में हमें स्कारलेट विच देखने को मिले, एंड नाउ दिस विश इज फाइनली कमिंग ट्रू। हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हमें स्कारलेट विच देखने को मिलेगी, एंड दैट इज बीइंग कंफर्मड। तो एलिजाबेथ ओल्सन वापस आ रही है इस मूवी के अंदर एज अ कह सकते हैं सेकंड टाइप ऑफ एक्टर जो कि हमें देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर, एंड दैट इज एन अमेजिंग न्यूज। तो मैं बहुत खुश हूँ इस न्यूज को लेकर कि हमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच और एलिजाबेथ ओल्सन स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज में साथ में करते हुए काम दिखेंगे, एंड दैट इज अमेजिंग। मूवी के अगर विलन की बात करें तो मूवी के डायरेक्टर स्कॉट डेरिसन, जिन्होंने फर्स्ट डॉक्टर स्ट्रेंज भी डायरेक्ट की थी, उनका ये कहना है उनका जो स्पेशल जॉनरा है वो है स्कैरी मूवीज। तो ये वो बोल रहे थे कॉमिक कॉन के अंदर कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 होने वाली है टोटली स्कैरी मूवी, और जो स्कैरी एलिमेंट है वो डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक्स में दिया था नाइटमेयर ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का जो विलन होने वाला है वो नाइटमेयर होने वाला है, जो कि लोगों की ड्रीम में जाकर उनको हॉरर सी चीज़ें दिखाता है, उनको परेशान करता है, एंड ही इज गोइंग टू बी द विलन ऑफ दिस मूवी, एंड दैट इज अमेजिंग। तो कॉमिक्स में तो नाइटमेयर डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत ही अमेजिंग विलन है, और मेरे ख्याल से हमें अब सेकंड पार्ट के अंदर जो डॉक्टर स्ट्रेंज का सेकंड पार्ट आ रहा है, ही इज गोइंग टू बी द बेस्ट विलन एवर फॉर डॉक्टर स्ट्रेंज। अब थर्ड पार्ट में तो उसको मॉर्डो को फेस करना ही है, बट सेकंड पार्ट के अंदर अब उसको फेस करना पड़ेगा नाइटमेयर को, एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर मिस्टर डॉक्टर। तो गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज का सेकंड पार्ट यानी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हमें देखने को मिलेगा 2021 में, वो भी मई के अंदर। तो 7 मई 2021 तक हमें वेट करना पड़ेगा और 2020 में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, एंड दैट इज फाइनली सम गुड न्यूज़ आफ्टर अवेंजर एंड गेम। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड, आई नो आप भी एक्साइटेड होंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड पार्ट को देखने के लिए। अगर एक्साइटमेंट ज़्यादा ही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको स्पेशली इस मूवी के अंदर क्या देखना है, एंड व्हाट डू यू वांट टू सी इन दिस मूवी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट डे।